लालटेन है, जब ट्रेन की लाइटें खराब हो जाती है ना तो बंदा इसके ट्रेन के आगे लेकर भागता है, ये हो ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकी और ये है गोशा याफियत। आज मैं आपको लेकर आया हूं पाकिस्तान के सबसे पहले रेलवे फाटक पर। ये रेलवे फाटक मौजूद है चनेसर हाल्ट और कैंट स्टेशन के दरमियान में। तो ये चनेसर हाल्ट के मैं इस वक्त पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर हूं, लेकिन ये हालत देखकर मैं पहली मरतबा, कोई शक नहीं है पहली मरतबा आया हूँ, लेकिन ये तुम देख रहे हो ना यार, हम लोग खा गए सब। इस पर जो है ना आयरन की पट्टियाँ होती थी, इस तरह की पट्टियाँ यहाँ पर, ये आयरन की, ये पूरे पे ना स्टेयर्स पर आयरन की पट्टियाँ होती थी, ये खा गए हम लोग निकाल कर। मतलब हुक्मरानों को क्या बोलोगे, हम खुद भी माशाल्लाह बहुत शरीफ लोग हैं, खा गए निकाल कर यार। आओ उधर ऊपर से देखते हैं शॉट कि यहाँ से इस फाटक का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ, ये वक्त है, ये मेरा पसंदीदा वक्त है। फिर वही पास कि ढलते सूरज की जर्द रोशनी मुझे हमेशा ही लुभाती है, और ऐसा मंजर जहां ट्रेन गुजर रही है और मैं इतना करीब से उसका नजारा कर रहा हूं। देखते हैं वो रेलवे फाटक आपको नजर आ रहा है, और ये जो है ना चनेसर हाल्ट का रेलवे स्टेशन है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन अब इतना ऑपरेशनल नहीं है, बस कभी जब लोकल ट्रेन चलती होंगी तो उसके लिए एक आरामद हुआ करता होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल यहाँ से मतलब अब इसका कोई काम नहीं है, ये मैं यही कह सकता हूँ। सिटी स्टेशन से यहाँ तक ये पांचवा रेलवे फाटक है, क्योंकि मैंने रेलवे फाटक पहला रेलवे फाटक इसलिए कहा है कि कैंट स्टेशन से ये रेलवे फाटक पहला ही पड़ता है। तो ये पाकिस्तान का इस तरह से पहला रेलवे फाटक है, और इसमें क्या खसूसियात है, मुझे ये क्यों अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे रेलवे से बहुत प्यार है, ट्रेन लवर हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी नेचर से प्यार करते हैं वो ऑब्वियसली रेलवे से ज़रूर प्यार करते हैं। रेलवे का और नेचर का बड़ा गहरा संबंध है। वैसे ये जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं एक चकोर डब्बा, ये सिर्फ एक चकोर डब्बा नहीं है बल्कि इस रेलवे फाटक का पूरा सिस्टम चलाने का एक रूम है, और इसके अंदर क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये सलाहुद्दीन भाई हमारे साथ हैं, और इस वक्त इनकी यहाँ पर ड्यूटी है, और मैं इनसे ये पूछता हूँ, जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है यहाँ पर, ये एक कदीम कम्युनिकेशन सिस्टम, ये फ़ोन ये भी इस्तेमाल है, काफ़ी इस्तेमाल है, तो इसी से आप रब्ता करते हैं आगे, मसला हो जाता है गाड़ी खड़ी है, मसला। अच्छा, तो अभी आप कॉल मिला सकते हैं इससे, किसी को बात कर सकते हैं अभी? स्टेशन मास्टर से होती है, हो सकती है अभी हो सकती है, तो हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं आप, तो करके दिखाएं ना यार। अच्छा, लोकली नहीं होती है, दैट्स गुड। और ये इसको, ये इसका डायल मेरा ख्याल यही इसी का है। अच्छा अच्छा, ये क्या है यहाँ पर, क्या लगा भाई? नसरुल्ला भाई इधर देखा, नसरुल्ला भाई ये किस चीज़ का? ये हमारे बटन है, ये नीचे वाले बटन से गेट गिरता है। अच्छा, ये फाटक ऊपर वाले बटन। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ठीक है।
डील हो जाए, बाकी ये बेलचो खुदा ले। अच्छा एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, बाहर आओ। ये छोटा सा एक कमरा है, ये कितना खूबसूरत कमरा है। ये रेलवे इक्विपमेंट्स की चंद नायाब चीज़ों में से एक चीज़ है। ये सिग्नल लाइट्स हैं और इसकी अब हालत जो है वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। ये बहुत खूबसूरत है। ये खुलती है और इसमें ये अब किसी काम की तो नहीं रही। यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता था, उसमें लिखा होता था कि रेलवे फाटक देर से खुलने की शिकायत जी रजिस्टर में दर्ज करें जी। और रजिस्टर जो है वो रेलवे फाटक वाले के पास मौजूद है जी। तो वो अभी है आपके पास रजिस्टर पड़ा हुआ है? कभी किसी ने जुर्रत की है कि वो आकर जो है वो? नहीं, तो लोग तो बोलते हैं, हम बोलते हैं रजिस्टर है, आप कंप्लेन करो, पर वो शनाख्ती कार्ड की कापी उसके साथ लगती है, दो गवाह की कापियाँ लगती हैं, वो फिर लोग देते नहीं, वो तो कोर्ट में पेश होना पड़ता है फिर। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वैसे ऐसी ज़रूरत कभी होती तो नहीं, अल्लाह का शुक्र हमने देखा है अक्सर। वक्त पर आप बंद भी कर देते हैं। बात ये हमारे पास रूट वाला सिस्टम है, हमारे पास क्या नाम रूट आता है, हम गेट गिरा देते हैं। सही है रूट, ट्रेन उसमें जब ट्रेन पास होती है तो फिर गेट हम उठा देते, ट्रेन अगर खड़ी हो जाती है तो फिर भी हम क्या नाम है वो करते हैं, क्या नाम है गेट उठा देते हैं अगर ट्रेन खड़ी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, बाबू से बात करते हैं, बाबू बोलते हैं हाँ भी गाड़ी खड़ी है, ये मसला है, आप गेट उठा दो, तो फिर हम बाबू से पूछ के गेट भी उठा देते हैं। इस्लाम एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जाने के लिए एंड स्टेशन से निकल चुकी है, क्रॉस कर इस कदीम चकोर से डब्बे से मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, ख़ास तौर पे इस गोशा आफियत में ये जो एंटीक चीज़ें पड़ी हैं ये आपको बिलखसूस पसंद आई होंगी। आपके गोशा आफियत में क्या क्या मौजूद है, क्या एंटीक चीज़ें, क्या नायाब चीज़ें आपके गोशा आफियत में मौजूद है, आपका गोशा आफियत कैसा है, आप अपना गोशा आफियत किसे कहते हैं, किसे समझते हैं, तो गोशा आफियत में आप इस कम्यूनिटी का हिस्सा बन जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जहाँ रहिएगा आफियत से रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।